नमस्कार, जी टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर क्षेत्रों में जहां एक शिव जी के मंदिर में आज हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठकर नमाज पढ़ने का इजाजत देते हुए आज लोगों को एकता का मिसाल पेश किए हैं, वहीं एक तरफ जहां राजनीतिक दल के लोगों ने राम के नाम पर हिंदू मुस्लिम को बांटने और लड़ाने में कसर छोड़ नहीं रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर के शिव मंदिर में आज धार्मिक स्थलों पर उनकी धर्मशाला में नमाज की इजाजत देकर हिंदू समाज के एक लोगों को एकता की मिसाल पे। मेरा नाम चौधरी साहब सिंह वर्मा है। साहब सिंह वर्मा जी, यहाँ पर अभी नमाज पढ़ी गई है, क्या वजह रही? हाँ, कल नमाज अदा करी गई थी, जगह न होने की वजह से उन लोगों ने हमसे कहा कि हम यहाँ नमाज अदा करें। हमने कहा ये धर्मशाला है, यहाँ आप नमाज आराम से अदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि हमें तो मोहब्बत ही इबादत है और इबादत ही मोहब्बत है, बस भाईचारे इसमें हम हर तरीके से उनके साथ हैं, सहयोग में हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी, किस वजह से, क्या हुआ? हमें तो एक भाईचारे का संदेश जाए समाज में, इसीलिए उन्हें जो एक साफ़ सुथरी जगह की ज़रूरत थी उन्हें नमाज अदा करने के लिए, यहाँ हमारे यहाँ हैंडपम्प की व्यवस्था, टंकी की व्यवस्था है, तो इसलिए उसमें सारा सुविधा मिली। फिर उन्होंने कहा ये साफ जगह है, हम नमाज अदा कर लें, तो भगवान का दरबार है, उसमें क्या दिक्कत है? वो भी भगवान, अल्लाह भी भगवान है और भगवान भी भगवान है, उसमें कोई भगवान तो दो नहीं हो सकते ना, वो तो एक ही है। तो फिर हम इस तरह समाज में एक भाईचारे का संदेश जाए, इसलिए हमने स्वीकृति दे दी, कोई बात नहीं, उन्हें सहयोग दिया हमने उन्हें। हाँ, यहाँ पानी की व्यवस्था हमने दी है, टंकी उसे और शौचालय की सुविधा है यहाँ, और उन्होंने खाना वाना खाया यहाँ पे, और फिर उन्होंने नमाज भी अदा करी। तो हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास